हेलो एंड वेलकम टू डेली लेट्स प्ले। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूं मैं एक नई खबर लेकर के। आज महाबली सतपाल जो कि कुश्ती के जगत में एक जाने माने नाम है, उनको हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। इसके लिए एक समारोह केशवपुरम में स्थित एक स्कूल में किया गया। संधू जी, वरुण नेगी जी और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, सबसे पहले तो मैं हैंडबॉल फेडरेशन का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे दिल्ली के जो लोग थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने सेलेक्ट किया है, तो उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि एज ए मैं गुरु जी से यही बात पूछ रहा था जी मैं भूलूँ क्या, तो मेरे को कहा कि भाई एज ए प्रेजिडेंट आपको बोलना है, तो एज ए प्रेजिडेंट मैं बहुत धन्यवाद उनका देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे तीन लोगों को, मेरे गुरु पद्मश्री महाबली सतपाल जी को, कोच साहब को, वरुणी नेगी को, उन्होंने जगह दी अपनी फेडरेशन में और दिल्ली उनका शुक्रगुजार करती है। और बस एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पे जो जिम्मेवारी गुरु जी ने दी है, कोच साहब ने दी हुई है दिल्ली एसोसिएशन को आगे बढ़ाने की, तो उसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे कि अच्छा कुछ न कुछ करते रहें। और जितने भी मेरे बड़े हैं मैं उनसे सलाह लेकर कोशिश करेंगे कि हैंडबॉल को भी आगे तक लेके जाएं और उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। मैं तो कई बार संधू कोच साहब से बार बार पूछता हूं कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं वो अच्छा कर सकें, क्या कोई अच्छा स्पॉन्सर ला सकते हैं या कुछ और चीज़ खींच के ला सकते हैं, तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए अच्छा करें। और जो हमारे तीनों लोग सेलेक्ट हुए हैं आज उनके लिए प्रोग्राम है, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं यही कहूंगा कि आगे आप लोग भी अब फेडरेशन में हो तो दिल्ली के हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको आप सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे बीच में दिल्ली हैंडबॉल एसोसिएशन का और सभी खिलाड़ियों का जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो ये आपके लिए ये प्रोग्राम रखा जाता है कि हम भी आपकी तरह ही आज से 52 साल पहले गांव से आए थे। कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन अच्छे गुरु मिले, उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, तो आज जितने भी खेलों के अवार्ड हैं वो सब उस गुरु के कारण मिले। गुरु हनुमान जी मेरे गुरु थे और उनके कारण ही मुझे सुशील जैसा शिष्य मिला। अगर गुरु हनुमान जी नहीं होते तो हम भी गांव में होते, कहीं फौज में होते या कहीं पुलिस में होते, नौकरी कर रहे होते, कहीं ड्राइवर कंडक्टर पता नहीं क्या होते। लेकिन आज क्योंकि आप लोगों को तो पता नहीं ना इतना, 52 साल से पूरे 1972 ओलंपिक में जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था तब शुरुआत हुई थी, 9वीं क्लास में पढ़ता था तब मेरा पहला ओलंपिक गेम था ओलंपिक जर्मनी में। और एक बस दर्द पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे होती गई। आज मैं जितने बच्चे हैं आपको यही कहने के लिए ये बातें बताई हैं कि असंभव कुछ नहीं, हर चीज पॉसिबल। जब सुशील मेरे पास आया 11 साल का था, 11 साल का कितना, मैं गुरुजी के पास आया जब मैं भी 11 साल का था, 6ठी क्लास में था। तो ये मत सोचो कि हार्ड वर्क मेहनत, यहाँ जब ग्राउंड में घुसो तो टारगेट रख लिया करो ऊपर, भाई मैंने तो इंडिया खेलना है, नौकरी आप मिल जाएगी आपको। अभी ये इसमें से मोस्टली सब नौकरी लगे हुए ये हैंडबॉल के कारण लगे हुए, तो मैं इसीलिए ये चीज आपको बता रहा हूँ कि ये इसीलिए, बल्कि स्वागत का प्रोग्राम भी आपके लिए ही खुद साहब ने और सुशील जी ने रखा है कि एक आपको प्रेरणा मिले आगे बढ़ने की। मैं सुशील कहने के बारे में कोई चीज है नहीं, भारत का एक ही खिलाड़ी है जिसके ओलंपिक में 2 मेडल है, किसी भी गेम में वर्ल्ड चैंपियन, एशिया चैंपियन, कॉमनवेल्थ चैंपियन, कॉमनवेल्थ गेम में 3 गोल्ड मेडल है। वो खिलाड़ी आपका अध्यक्ष है, वो खिलाड़ी आपका अध्यक्ष है आपकी स्टेट का, तो और क्या चाहिए। शिवाजी सिंधु आज से मेरे ख्याल से 20 साल पहले लेके आया था, 25 साल पहले
रायपुर में या पता ही है इंदौर में पोस्टिंग थी, बड़ी मुश्किल से मैं भारत सरकार में बात करके, और क्योंकि मैं हैंडबॉल खेलता था कुश्ती के साथ साथ, हैंडबॉल हम अपनी फिटनेस के लिए खेलते थे, और हम वो हैंडबॉल खेलते थे कि एक गोल वहां होता था, एक गोल उससे भी दीवार से भी दूर होता था, तो उसको बॉल को लेके भागना टच करते ही, वो तो वो मेरा कहने का मतलब उससे अटैचमेंट थी हैंडबॉल से। और आज खुशी है कि हैंडबॉल में दिल्ली के मेरे ख्याल में कौन से 200 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, 200 के करीब जूनियर सीनियर में मिला के, तो बहुत बड़ी बात है। हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मैडम, मैं क्योंकि आपके बिगड़ तो ये सब चीजें नहीं होती, मैं एजुकेशन में रहा 35 साल, और कहीं भी किसी भी स्कूल में जहां भी हम गए हमारे सबसे एक सौभाग्य होता है, कल को यही आपको ये कहते नहीं भाई मेरे को नहीं चाहिए, मेरे यहां तो लड़कियां हैं और लड़कियों का सेंटर है, मैं नहीं वो करने देते, खत्म। इनका सबसे बड़ा योगदान है जो आपको ये इतना अच्छा ग्राउंड, इतना अच्छा मेंटेन होके मिल रहा है, और तो सबसे बड़ा शुक्रिया तो मैं इनका करता हूँ। और आप क्योंकि एजुकेशन से, ये भी सब एजुकेशन का ही सिस्टम है, और सुशील जी भी एजुकेशन में है, आपको ये सबको मैं बता दूं, ये भी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी एडिशनल डायरेक्टर वाली, जो मैं रिटायर हुआ था एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन स्पोर्ट, उस पोस्ट पे ही है, तो ये सारा इनके ही देख रेख में है, जितने भी स्कूलों का, योग का, खेलों का, फिजिकल का, म्यूजिक का। तो ये जो टीम है ये क्या है, ये आपके लिए, बच्चों के लिए है। हमें सरकार किस लिए तनख्वाह देती है, बच्चों के लिए, कि हम बच्चों को अच्छा भविष्य बनाएं। कितने बच्चे अभी छतरसाल स्टेडियम में 5-6 हजार बच्चे आते हैं, और वो सब अच्छी जॉब पर जाते हैं, जब अच्छी उनको ट्रेनिंग मिलती है, अच्छे मेडल आते हैं। अभी 3 बच्चों ने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है रेसलिंग के, तो तीनों ही छतरसाल स्टेडियम के हैं, और अभी उम्मीद है कि अभी क्योंकि क्वालिफाइंग बचा है तो सुशील जी भी कर जाएं, क्योंकि अभी ये मेहनत कर रहे हैं तीसरे मेडल के लिए, कि भाई एक ब्रॉन्ज भी आ गया, सिल्वर भी आ गया, तो एक गोल्ड है, तो क्या पता एक पूरे देशवासियों का आशीर्वाद और दुआएं के साथ है तो वो मिल जाए। मैं यहाँ जितने भी हमारे साथी बैठे हैं ये सब बहुत साल से मेरे से जुड़े हुए, बहुत साल से मोस्टली सब, और जो तो ये टीम वर्क है, कुछ नहीं लेके जाना, ये कपड़े भी नहीं अपने, इनको भी तार के भैया छोड़ जा कहाँ ले जा रहा है, लेकिन जो हम समाज के लिए अच्छे काम करते हैं, देश के लिए अच्छे काम करते हैं, वही हमारे साथ जाते हैं। मुझे इतना मान सम्मान दिया, मैं जितने भी शिवाजी के साथी जो कोच हैं उनको भी अपना आशीर्वाद और बधाई देता हूं, क्योंकि ये टीम बहुत बढ़िया है। मैंने ये छाट के पूरी दिल्ली में एक एक स्कूल से छाट के लेके आया था कि ये सेंटर चला सकते हैं, ये बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, तो मैं आपको भी यही कहूंगा, क्योंकि हमारा काम है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी कोचिंग दें, और बाकी तो मालिक का जिसके ऊपर हाथ होता है। कोई ऐसा अवार्ड नहीं है जो सुशील जी के पास नहीं है, दुनिया का वर्ल्ड का बेस्ट खिलाड़ी, ओलंपिक के मेडल, वर्ल्ड चैंपियन, सारी सब चीजें, भारत सरकार से पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, राजीव खेल रत्न, कोई है तो ये भी तो आप में से ही है, ये कोई ऊपर से थोड़ी आए, तो बस ये प्रेरणा है आपकी, इनको देख के ही आप ये कराग्रोक नहीं मैंने भी चैंपियन बनना है, और बाकी चीजें डिसिप्लिन जो हमें ऊंचा उठाता है। अगर आप डिसिप्लिन में हैं, मेरे गुरुजी मुझे बहुत पीटते थे, मैं भी यहां खाड़े में 70 साल में बच्चों को बहुत डांटता था, लेकिन सुशील को मुझे कभी डांटने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये सबसे आगे रहता था, लीड करता था, तो आज वो सुशील। तो इसीलिए आप सबको यही है कि नया साल आने वाला बहुत अच्छा हो, और हैंडबॉल फेडरेशन एसोसिएशन खूब आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे ग्राउंड पे आए और इतना मान सम्मान हुआ सारा, और जितने हमारे कोचेज हैं और स्टेज पर बैठे सभी महानुभाव,
हमारा ये ग्राउंड और ये हैंडबॉल की जो इतना अच्छा देन है, जितने अच्छे मेडल हैं, ये हमारे सतपाल जी की देन है सारी, कि ये मुझे इंदौर से लेके आए। उसके बाद इन्होंने जो हमें सुविधाएं दी हैंडबॉल में, चाहे वो एसोसिएशन की हो चाहे वो स्कूल नेशनल की हो, उन्हीं सब सुविधाओं से, उनके आशीर्वाद से आज हमारा हैंडबॉल इंडिया में सबसे बेस्ट है। दिल्ली की टीम, चाहे वो कोई भी टीम है, चाहे वो सब जूनियर जूनियर सीनियर, कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिसमें हमारी टीम का दिल्ली का मेडल ना हो। तो पहले सतपाल जी का आशीर्वाद रहा, अब सुशील जी हमारे प्रेजिडेंट बन गए हैं तो उनका भी साथ में अब आशीर्वाद हो गया। सुशील जी ने बात हुई है, वो कह रहे हैं कि भी हमें बहुत सारी कंपनियों को हैंडबॉल के बच्चों के पता आशीर्वाद रहेगा ना जी। आप आशीर्वाद लेते हैं ना, पर हमारे तो प्रेजिडेंट है इसलिए बच्चों पर आशीर्वाद तो आपका रहेगा। तो पहलवान जी कह रहे हैं कि हम हैंडबॉल को और ऊपर ले जाएंगे, बहुत सारी जो स्पॉन्सरशिप है, अभी बात हो रही थी कोई राइस की कंपनी है कोई, उसको हमारे साथ जोड़ना चाह रहे हैं सर, और भी एक दो जो कंपनियां हैं या जो स्पॉन्सरशिप है उनको हमारे साथ जोड़ेंगे तो हमारा हैंडबॉल और आगे जाएगा। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली लेट्स प्ले से। धन्यवाद।